तो भाई आईपीएल 2024 की कई सारी टीमों की जो मुसीबतें हैं वो बहुत हद तक बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिन जिन टीमों ने आईपीएल 2024 में अपनी टीम में शामिल करा है बांग्लादेश या फिर श्रीलंका के प्लेयर्स को, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिस तारीख से आईपीएल की शुरुआत होनी है जो कि 22 मार्च है, उसी तारीख से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक सीरीज खेली जानी है। तो जो प्लेयर उस वक्त पे अपनी इंटरनेशनल टीम का हिस्सा होंगे, अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो सभी प्लेयर्स आईपीएल 2024 में अपनी रिस्पेक्टिव टीमों का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मैं बता दूं कि वैसे तो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच ये जो सीरीज है वो 4 मार्च से शुरू होनी है, 4 से 9 मार्च तक T20 खेले जाने हैं, 13 से 18 मार्च तक 3 ODI खेले जाने हैं, लेकिन 22 मार्च से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। पहला टेस्ट मैच 22 से 26 मार्च तक खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच 30 मार्च से 3 अप्रैल तक खेला जाएगा। यानी आसान भाषा में 22 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक वो प्लेयर आईपीएल 2024 में अपनी टीमों का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जो कि श्रीलंका या बांग्लादेश की टेस्ट टीम का हिस्सा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी प्लेयर जो आईपीएल में खेलते हैं वो श्रीलंका या फिर बांग्लादेश की टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। कुछ इक्का दुक्का प्लेयर होंगे और वो जो प्लेयर होंगे वो उतने बड़े प्लेयर नहीं होंगे कि उनको बहुत ज्यादा आईपीएल में टीम्स मिस करें। खैर बहुत हो गई दुखी करने वाली बातें, अब करते हैं वो बातें जिससे सुन के थोड़ी सी खुशी भी मिल जाए। अब देखो खुशी यहां पे हर किसी को नहीं मिलेगी, उसको ज्यादा मिलेगी जो कि आरसीबी का एक कट्टर और लॉयल फैन है। देखो ये तो तुमको पता ही है कि इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है, लेकिन सेम टाइम पे दूसरी तरफ इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है जो कि 4-day टेस्ट मैचेस हैं, और इसी टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहां आरसीबी के ऑलराउंडर आकाशदीप बवाल मचा रहे हैं। आकाशदीप ने 4 विकेट लेके इंग्लैंड लायंस को 199 रन पर समेटने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो जाहिर सी बात है जो भी यहां पे आरसीबी फैंस हैं उन्हें ये सुन के खुशी मिलेगी ना। खैर आप सोच रहे हैं कि आकाशदीप कौन है, इन्होंने अब तक आरसीबी के लिए कैसी परफॉर्मेंस दी है, तो मैं बता दूं कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट यहां पे अभी तक उन्होंने आरसीबी के लिए नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मौके भी नहीं मिले हैं। कुल आरसीबी के लिए 7 मैच खेले हैं जिसमें 6 विकेट हासिल किए हैं, 2022 में 5 और 2023 में उन्हें 2 मैच खेलने का मौका मिला था। मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि आकाशदीप का जो हुनर है वो सिर्फ बॉलिंग कराने में नहीं है, बल्कि जब बात बैटिंग की भी आती है तो अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन वो बैटिंग से भी दे सकते हैं। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आईपीएल 2024 में आकाशदीप आपको आरसीबी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स लेते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट रन जोड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो एट लास्ट अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो अभी तक मैंने बहुत सी वीडियोस में ये कहा था कि जब भी मुझसे सवाल पूछा जाता है कि ऑन पेपर सबसे स्ट्रांग टीम कौन सी दिख रही है आईपीएल 2024 के लिए, तो मैं नाम लेता हूं मुंबई इंडियंस का, क्योंकि एक नंबर ओपनिंग है, रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, नीचे इतने शानदार प्लेयर है, सूर्या है, हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, बॉलिंग में बुमराह है, उसके अलावा भी जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हैं वो भी अच्छे खासे हैं, टिम डेविड हैं, जेरार्ड कोर्ट्जी टीम में आ चुके हैं। तो ऐसे में स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर मुंबई दिख रही है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी शानदार ओपनिंग जोड़ी ईशान किशन और रोहित शर्मा की। उसके अलावा अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो आरसीबी की भी ओपनिंग जोड़ी अच्छी खासी दिखती है, कोहली और डुप्लेसिस हैं। हाँ डुप्लेसिस का फॉर्म थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, लेकिन ये दोनों जब साथ में खेलेंगे कहीं ना कहीं हमें कंफर्म है कि बवाल तो मचाएंगे। इसी तरीके से सीएसके की भी ओपनिंग जोड़ी काफी अच्छी दिखाई पड़ती है, कॉनवे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं। हालांकि कॉनवे का भी फॉर्म इस समय काफी हद तक डगमगाया हुआ है, पिछले कुछ वक्त से न्यूजीलैंड के लिए वो एक अच्छी ओपनिंग में आके पारी नहीं खेल पाए हैं, लेकिन वंस अगेन हमें मालूम है कि जब गायकवाड़ और कॉनवे सीएसके के लिए खेलेंगे तो ओपनिंग तो अच्छी देंगे। पर अभी अगर तुम मुझसे पूछो कि यार आईपीएल 2024 की कौन सी ओपनिंग जोड़ी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही है करंट सिनेरियो को देखते हुए, तो यहां पे मैं नाम लेना चाहूंगा राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी का, जहां से ओपनिंग करने के लिए एक तरफ से यशस्वी जायसवाल आते हैं और दूसरी तरफ से जॉस बटलर आते हैं। देखो जायसवाल का फॉर्म कितना शानदार चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस फॉर्म को शब्दों में बयां करने की जरूरत है। पिछले आईपीएल सीजन से ही जायसवाल का बल्ला बोले जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया के लिए भी खेलते हुए चाहे वो T20 में आए, चाहे ODI में आए, चाहे टेस्ट क्रिकेट में आए, जहां भी आए उनके बल्ले से रन तो आ ही रहे हैं। और वहीं पे अगर बात करें जॉस बटलर की, तो देखो तुम सोच रहे हो कि जॉस बटलर फिलहाल
फिलहाल कहां खेल रहे हैं, ज्यादा कुछ ऐसा करते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा सुनने को तो नहीं मिल रहा है। तो मैं बता दूं, जॉस बटलर पूरे तरीके से इस समय एक्टिव हैं साउथ अफ्रीका टी20 लीग में। और अगर तुमको नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहूंगा कि जॉस बटलर साउथ अफ्रीका टी20 लीग के थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। अभी तक खेली गई 9 इनिंग में 45 की एवरेज उनकी चल रही है और 142 की स्ट्राइक रेट चल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि करंट सिनेरियो को देखते हुए जिस टीम के पास सबसे बेहतरीन ओपनर्स है इस वक्त, जो कि इस समय बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, वो टीम है राजस्थान रॉयल्स और उनके ओपनर्स हैं यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर। क्या आपको लगता है कि इनसे बेहतर ओपनिंग जोड़ी कोई होगी आईपीएल 2024 में? अगर आपको लगता है तो उस ओपनिंग जोड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और सेम टाइम पे जैसा मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है आकाशदीप आरसीबी के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आईपीएल 2024 में देते हुए देखने को मिल सकते हैं, अगर आपको यकीन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट वंस अगेन, अगर आप क्रिकेट की इंफॉर्मेशन भर भर के चाहते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोई आपको बताना नहीं चाहता, जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है, ऐसी ट्रेंडिंग अपडेट्स जो आपकी क्रिकेट की नॉलेज को यहां से यहां पहुंचा दे, तो भाई वेट मत करो, अभी जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम है टेलीग्राम चैनल का क्रिकेट टाइम विद जोशी, जाना है, जल्दी से ज्वाइन करना है और भाई वहां से अमेजिंग अमेजिंग अपडेट्स लेके अपनी क्रिकेट की नॉलेज को यहां से यहां पहुंचाना है। वीडियो पसंद आई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।